जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जेड़े ने वो खत्म हो चुके हैं, सरकार बनी चुकी दी है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुके दा है, सत्तारूढ़ पार्टी ते मंथन करती है करती है, इसके अलावा जेड़ा प्रमुख विपक्षी दल है वह भी मंथन करा करता होना है, और सारे को जेड़ा मंथन है मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी करा करती होनी है की के उसकी बड़ी करारी हार का जेड़ा है वो सामना करना पिया है। अगर अस लोकसभा चुनाव की गल करचे तो जम्मू खिते च कांग्रेस का जेड़ा प्रदर्शन हा वो खरा हा, शैल वोट लैते पर जिस वेले विधानसभा का चुनाव आया पार्टी की जेड़ी हार बड़ी करारी हार हुई है, और वोट प्रतिशत भी अगर अस देखचे तो लगभग जम्मू खिते च अगर अस रजौरी भी छोड़ी उड़चे तो कुदे भी उसी सीट नहीं थोई है। की कांग्रेस की ऐसी हालत हुई है कि कांग्रेस की ऐसे दिन दिखने पेन, इस संबंध में गलबात करा करने मेरे कने मेरे सहयोगी सैयद जुनेद आशमी और बैठे दिन गलबात कर रहे हैं। आशमी साहब, के कारण रहा है कि कांग्रेस की यह हालत हुई है? देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, मैंने जितनी सीटों के ऊपर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है लगभग सारी सीटों का आकलन किया और सारी सीटों पर यह देखने की कोशिश की कि कहां क्या हुआ है। दो बातें जो बिल्कुल साफ तौर पे निकल के आती है, पहली बात तो ये कि कांग्रेस अभी भी बड़े लीडरों के चक्कर में है और वो बड़े लीडर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बड़े लीडर चुनाव हार रहे हैं, और बड़े लीडर जो हैं वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव हार रहे हैं। बसौली से चौधरी लाल सिंह ने 16,034 वोटों से चुनाव हारा। अच्छा, बिलावर से डॉक्टर मनोहर लाल ने 21,368 वोटों से चुनाव हारा। अब्दुल रशीद डार जो सोपुर के एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस के, एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीसरे नंबर पर रहे, दूसरा 21,808 वोटों से वो चुनाव हार गए। बारामुल्ला से कांग्रेस के प्रत्याशी मीर इकबाल अहमद वो पांचवें नंबर पर रहे और 17,854 वोट से चुनाव हार गए। देवसर से जो इनके प्रत्याशी थे वहां से, कश्मीर में जम्मू कश्मीर सब की बात करूं, वो छठे नंबर पर रहे और 13,484 वोटों से चुनाव हार गए। बनिहाल में आपको याद होगा जब मैं बार बार ये कह रहा था कि इम्तियाज शान पीडीपी के बनिहाल में परेशानी बन सकते हैं, यकीन मानिए इम्तियाज शान चुनाव जीत भी सकते थे जो परिस्थितियां वहां बन गई थी कि नंबर दो पे इम्तियाज शान आए हैं और नंबर तीन पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी हैं, 12,670 वोटों से वो चुनाव हार गए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और हम बात जम्मू की करें, जम्मू के भी आंकड़े मेरे पास हैं, वो भी थोड़ा मैं आपसे साझा करूंगा जी। आप जम्मू में आइए तो रमन भल्ला चुनाव हार गए, उसके अलावा जम्मू में तरनजीत सिंह टोनी चुनाव हार गए। अच्छा, अब अगर हम पहले आरसपुरा जम्मू साउथ की बात करें, रमन भल्ला और डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के बीच में जो वोटों का फासला कोई ज्यादा नहीं, 2000 से कम वोटों से चुनाव हार। अच्छा, गुरुदेव राज जो बीएसपी से खड़े हुए थे 737 वोट उनको मिले। चौधरी गारू राम पूर्व मंत्री, केवल 237 वोट उनको मिला, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। इसी तरीके से आप आइए बहु सीट पर, रंधावा और तरनजीत सिंह टोनी के बीच में 11,000 वोटों का फासला है, ये भी चुनाव हार गए। योगेश सहानी जम्मू ईस्ट से चुनाव हार गए, वो तो हमें पहले से पता था कि जम्मू ईस्ट में जीतना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वोट उनने लिया। नगरोटा में आपने एक प्रत्याशी खड़े कर दिए बलबीर सिंह, 6,000 वोट आपका प्रत्याशी नहीं ले सका, जबकि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी ने 18,000 वोट लिया। जम्मू वेस्ट की बात करूं मैं, वहां मनमोहन सिंह आपने खड़े कर दिए, लगभग 22,000 के करीब करीब वोटों से वो चुनाव हार गए। वहां अरविंद गुप्ता नौसिखिया भारतीय जनता पार्टी के, कोई उनका ये नहीं कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है, 3-4 चुनाव लड़े, कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ करते थे चुनाव लड़ा और 41,963 वोट लिए आपने। और उसके बाद जम्मू नॉर्थ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी, अजय सदोत्रा श्यामलाल का मुकाबला ही नहीं कर पाए। इसी तरीके से आप मढ़ में आइए, सुरेंद्र भगत वोट ले रहे हैं 42,563, बीडीसी चेयरमैन और कद्दावर नेता मूलाराम 19,417। अभी अपने कद्दावर कहा ना, देखिए
सच्चाई को मानना और सच्चाई को मानकर आगे बढ़ना, वही मुझे लगता है अकलमंदी है। कांग्रेस की दिक्कत यह है, ये अभी भी बड़े लीडरों के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो बड़े लीडर अपने चक्कर से इनको बाहर निकलने नहीं देते हैं। नतीजा उसका यह निकलता है कि कांग्रेस में का जम्मू में सूखड़ा साफ हो जाता है। और मैं काराकोट सुंदरबनी की बात करूंगा, यहां पर यह सीट आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी, जबकि कालाकोट सुंदरबनी में आपके पास एक बड़ा ताकतवर प्रत्याशी था रविंद्र शर्मा, आपने उनको खड़ा नहीं किया। ठीक है, आप मोलभाव करते हैं कि जनाब बड़ा नेता होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए, बड़े नेता ने पहले इतने वोट लिए होने चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर इस बार चुनाव जीते हैं उनमें से कई ऐसे हैं कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा ना चली होती तो शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा थी, इस हवा में उनका उनकी गुड्डी भी चढ़ गई। लेकिन आप जब कांग्रेस को देखते हैं तो कालाकोट सुंदरबनी में आपने सीट छोड़ दी, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप लड़ लीजिए। त्राल की मैं बात करूंगा, आपके कैंडिडेट चन्नी सिंह थे, आप वहां मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाए, पीडीपी ने आपको वहां पर कुछ ही वोटों से पछाड़ दिया, 300-350 वोटों से आप ये सीट हार गए। अच्छा, उसके बाद एससी की 7 सीटें जम्मू में हैं, रामनगर, कठुआ, रामगढ़, बिश्ना, सुचेतगढ़, मारोल, अखनूर, किसी भी सीट के ऊपर कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं थी। आप रामनगर की बात करें, रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुनील भारद्वाज चुनाव सीधा सीधा जीत गया। कठुआ में अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कठुआ का, जब आप कठुआ की बात करते हैं तो कठुआ में एक प्रत्याशी खड़े होते हैं जो नए थे और जिनके पास कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, बहुजन समाजवादी पार्टी से वो खड़े हुए, डॉक्टर संदीप मजोत्रा। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता ने 33,827 वोट लिया और यहां पर ये सीट भी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले कर दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने यहां से 1600 वोट लिए बस। यानी कठुआ जो है जो कांग्रेस का गढ़ जहां से कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी लाल सिंह आते हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि कांग्रेस के लिए समय आ गया है कि आप बड़े नेताओं के उस बड़ेपन से बाहर निकल आए। बड़ा नेता क्या होता है सागर साहब? बड़ा नेता यह होता है, एक जिले की आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिला आपके हाथ में, बताइए कठुआ में किसको खड़ा करना, आप बताएंगे, आप बताइए हीरानगर में कैंडिडेट कौन होना चाहिए, आप बताइए हमको रामगढ़ से कैंडिडेट खड़ा करना है किसको करें, आप हमको बताइए कि बन्नी में कौन होना चाहिए, आप हमको बताइए बसोली में कौन होना चाहिए, बिलावर में कौन होना चाहिए। और जब बड़ा नेता किसी एक क्षेत्र में होता है वो बाकी तमाम नेताओं को अपने साथ चलाता है, लेकिन कांग्रेस में ये प्रथा ही नहीं है। यहां बड़ा नेता ये देखता है कि नीचे अगर कोई नेता आया ये कहीं मुझसे ना बड़ा मान जाए, पहले उसको कई जगह देखने च भी आया जी, यहां के सुनने च भी यह हुआ करता है कि अगर भल्ला साहब बहु खड़ोंदे टोनी और इतने खड़ोंदे, सतीश की अगर टिकट छंभ दी जाती, तारा चंद अखनूर खड़ोंदा, तो जिहड़ा नक्शा है वह कांग्रेस का तब्दील होंदा। देखिए क्या कांग्रेस जिहड़ी है वह चुनावों च हारने ताईं उतरती है, जियां बीजेपी उतरती है तो वह आखदी पई असीं सरकार बनानी, एनसी दब ताल ठोकी आखदी असीं सरकार बनानी, लेकिन असें कांग्रेस के कुसै भी जिहड़ा उम्मीदवार उहदे कोल इह नहीं सुनिया कि असीं चुनाव जितने ताईं लड़ा करनी है। देखिए अब आप कांग्रेस की अगर बात करेंगे, जैसे आपने कहा ये भी एक परेशानी है, बड़े सारे मैं लोगों के आंकलन देख रहा हूं, वो कह रहे हैं जी अगर आपको तरनजीत सिंह टोनी को आपने आरसपुरा से टिकट दिया होता, बहु से आप भल्ला रमन भल्ला को टिकट दे देते, छंभ में आप सतीश को दे देते, अखनूर में आप ताराचंद को दे देते, तो शायद समीकरण अलग होते। नहीं होते, मैं आपको सीधी बात बताऊं, उसका कारण यह है आप चुनाव बीजेपी के मुकाबले में लड़ रहे हैं, बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है, किसी भी चुनाव को हारने के बाद बीजेपी वाले लंबी तान के नहीं सोते, अगले चुनाव की तैयारी करते। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में चुनाव में 29 सीटें ली हैं, सरकार नहीं बन सकी, अपने आंकड़े लगाए थे और बीजेपी आश्वस्त थी कि सरकार हमारी अपने दमखम पे बन रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अब बीजेपी का कोई नेता कहे कि हमने चुनाव लड़े थे, हमको तो पता था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं था, बड़े कॉन्फिडेंट थे, तभी केंद्रीय गृह मंत्री इतनी बार आए, चक्कर लगाए, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी संगठन में तब्दीलियों की तैयारी कर ली है, उन चुनावों के लिए तैयारी शुरू हो गई है, उन्होंने ऑलरेडी कैंडिडेट ढूंढने शुरू कर दिए कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हमारे कौन लोग होंगे, उन्होंने ऑलरेडी कैंडिडेट ढूंढने शुरू कर दिए कि पंचायत हमारी कौन लड़ेगा,
उसके लिए उनकी तैयारियां शुरू होगी। जब ऐसी पार्टी से आपका मुकाबला हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी एक कैंडिडेट को कम से कम साल पहले देनी है। आप चुनाव से 10 दिन पहले कहते लो बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जाओ लड़ो, चुनाव कैसे लड़ो। नहीं होता कई जगह तो इन्हें कैंडिडेट अनाउंस किए जल्द बढ़ लिया उन्हें फार्म भरना। यही मैं आपको कह रहा हूं कि यानी आप चुनाव जो ही होने वाला है आपने मैंडेट बांटे। जब आपने मैंडेट बांटे उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया अपने कैंडिडेट को। आपने तरनजीत सिंह टोनी को कहा चुनाव लड़ो, बहुत से तो क्या तरनजीत सिंह टोनी को पार्टी की तरफ से कोई मदद मिली? क्या पार्टी के किसी बड़े नेता ने बहू में कोई बड़ी रैली की, कोई बड़ी जनसभा को संबोधित किया? जब आपने रमन भल्ला को कहा कि आप आरसपुरा से लड़िए, क्या उनकी कोई मदद पार्टी ने क्या मदद की? और उसके बाद आपको निचले क्रम से शुरू होना, आपको बूथ से शुरू होना है और आपने जोन तक जाना है। बूथ लेवल पर आपके कितने कार्यकर्ता हैं, आपके अलग अलग काउंटिंग पोलिंग स्टेशनों पर कितने पोलिंग एजेंट थे, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका चुनाव में होगा क्या। ताराचंद छम चुनाव लड़ने के लिए गए, वो इस विश्वास पर चले गए जी छम में मैंने बहुत काम कराया है और मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा। अब ये उनका अपना आंकलन था छम को लेकर, लेकिन गणित यह बताता था कि अगर आप अखनूर चले जाते तो शायद अखनूर में आपका आप चुनाव जीत जाते। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, जैसे आपने कर्म किए होंगे फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। अगर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ताराचंद के और शर्मा बंधु के रिश्ते अच्छे रहे होते, श्यामलाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा की बात की जाए तो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। आपको चुनाव लड़ना था तो संभवतः चुनाव तब तक संभव नहीं हो पाता जीतना जब तक आपका उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बड़ा नेता है वो बड़ा नेता उसकी आपके साथ कोई आपसे कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, आप चुनाव जीतने के लिए अखनूर उतरते तो श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए तो रात दिन एक करनी थी। उसने कहा था जब उन्हें छोड़ो पहले मेदरी घुसूंगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका राइवल जो कल तक आपके साथ चला, जिसको राजनीति में आप लोगों ने लाया, तो जाहिर सी बात है आज वो आपका राइवल बना है तो आप तो उसको मौका नहीं ना देंगे वहां से जीतने का। तो शायद उसने वो आंकलन किया। लेकिन फिर जिस समय आपने ये देखा कि सतीश शर्मा स्वर्गीय मदनलाल शर्मा का बेटा है, एक सिंपथी वेव है लोगों के बीच में, ऑलरेडी उसको लेकर बात चल पड़ी है, वो जीते हारे और दुआ डीडीसी दी टिकट भी कांग्रेस ने उसी नहीं दी थी। मैं वही कह रहा हूं, तो आपने खुद ही विड्रॉ करना था बड़े नेता के तौर पे, और आप विड्रॉ करते आप कहते चलिए मैं अखनूर में लड़ता हूं, देखते हैं क्या होता है। फिर शायद होता ही है क्योंकि ये राजनीति है। बिल्कुल, जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मामा मामा नहीं रहता, भांजा भांजा नहीं रहता, चाचा चाचा नहीं रहता, भतीजा भतीजा नहीं रहता। हो सकता सतीश शर्मा पूरी मदद करते ताराचंद की अखनूर में चुनाव जीतवाने की। बिल्कुल, जाहिर सी बात है राजनीति, श्यामलाल शर्मा बीजेपी है, सतीश शर्मा आज आजाद उम्मीदवार है, वो नहीं गए बीजेपी में, तो मतलब साफ तौर पर यह है कि चाचे की अपनी राजनीति है, भतीजे की अपनी राजनीति। अब भतीजा अगर ये राजनीति कर रहा है तो वो पूरी कोशिश करता भाई अगर ताराचंद ने छम की सीट मिलने छोड़ी है तो मैं अखनूर में उसकी मदद करूंगा। उसके बाद भी क्या चुनाव जीतते? देखिए सुरेंद्र सागर जी, ये आसान खेल नहीं था। सवाल ये है कि मैंने पहले ही आपको कहा आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो बिल्कुल बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रही है। बिल्कुल बूथ लेवल, और बड़ी सीरियस है चुनाव को लेकर। सीरियसनेस इनकी चुनाव को लेकर यह थी कि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसा नहीं है जो जम्मू नहीं आया, जिसने जनसभाओं को संबोधित नहीं किया। बड़े सारे लोग आज कह रहे हैं कि जी आपने सेंट्रल मिनिस्टर सारे लाए, बड़ी रैलियां करवाई, रैलियां आपने करवाई तो नतीजा भी तो उनके हक में गया। हाँ बिल्कुल भाई, उन्होंने 29 सीटें जीत ली जम्मू संभाग में, ठीक है, 7 सीटों पर उनको यकीन था कि हमको कामयाबी मिलेगी, हार मिल गई, वहां पर नहीं जीत सके, वहां उनके क्या कहते हैं जितने भी आंकड़े फिट उड़ने के थे फेल हो गए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की ये एक बड़ी दिक्कत है कि आप बड़े नेता के चक्कर में पड़े रहते। फिर एक खबर आई, एक बड़ा नेता जी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, उसको मैंडेट अगर नहीं मिला, आप रातों रात डर गए, आपने कहा दे दो मैंडेट दे दो वरना ये बीजेपी चला जाएगा। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस का। आप बीजेपी को देखिए उसकी जगह आंकलन तो नहीं, दोनों पार्टी को जम्मू संभाग को बिल्कुल दोए तेले सामने। पवन खजूरिया ने कहा जी मैंने आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ना है, और किस कुछ और लोगों ने कहा हम आजाद लड़ेंगे, उन्होंने कहा लड़ेंगे। उन्होंने अपने प्रत्याशी की 101% मदद की, और माहौल जैसा मर्जी वैसा बना हो लेकिन उधमपुर में आरएस पठानिया की जीत हुई, संगठन ने आरएस पठानिया के साथ मिलकर काम किया और उनको जितवाया।
इसी तरीके से कई अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ, जहां पर ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ तो कार्य नेता के घर चले गए रात को, जहां पर ज्यादा फसाद हो गए नेता के घर पहुंच गए रात को कि भाई आप एक काम करो, आप छोड़ो, आपने लड़ना नहीं है, आपको म्युनिसिपैलिटी में देख लेंगे, आपको एमपी बना देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, उस सारे डिसेंट को मैनेज किया और मैनेज करके क्या किया, चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने स्कम किया। एक नेता ने कहा जी मैं वहां से लड़ूंगा, मुझे टिकट नहीं दोगे, मैं चला। आपने कहा चलो ले लो टिकट तो जाओ लड़ो, जाओ लड़ो। दूसरे नेता ने कहा मैं चला बीजेपी, आपने कहा लो टिकट तो जाओ। जब तक आप अपने बड़े नेताओं की इस दादागिरी को खत्म नहीं करेंगे, एक चुनाव आप हारेंगे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगला चुनाव फिर आप जीतेंगे, और वो भी तब जब आप जम्मू कश्मीर में चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़े, किसी बनती हुई सरकार का हिस्सा बनने के लिए चुनाव ना लड़े। ये कांग्रेस की स्थिति है। ये तुसीं आख्या कि सरकार बनाने ताई लड़ना चाहिए, सरकार की झोली चुकी करने ताई नहीं चलना, तो क्या तुस समझदे हो कि अगर नवें लोकें गी मौका दिता जांदा और एक मजबूत जिहड़ी विपक्ष की भूमिका जिहड़ी है वह धरातल उपर कांग्रेस ने की होंगी, लोगों के जिहड़े अवामी मसाइल ने चुके दे होंगे, की के असें देखिया कि सोचे जाए घरे, अगर ऐसी परिस्थितियां बनी दी होंदियां तो नतीजे च कोई फर्क पाउंदा? देखिए आप देखिए कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, 6 जीती हैं। बड़े नेताओं की कितनी सीटें आ रही हैं, लगभग 5 से 6 सीटें वो भी हैं जहां बड़े नेता हारे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये नेता एक बार नहीं हारे, अब ये हार ही रहे हैं की सीट सुबह की। अच्छा, अब ये लगातार हार रहे हैं और ये नेता भी तैयार नहीं है। ठीक है भाई, अब आप ये समझ लो कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आप अब अपनी स्पेस जो है छोड़ो और किसी और को आप अपनी स्पेस दे दो, वो करने के लिए भी तैयार नहीं। अब आप देखिए 6 सीटें जो कांग्रेस को मिली, इसमें से वागुड़ा त्रीडी की सीट इरफान हफीज लोन की, वो काबिल आदमी है, बहुत मेहनत की उन्होंने, उन्हें सैयद बिशारत बुखारी को 7,751 वोटों से हराया, बहुत बड़ा फर्क है, तो इसका मतलब एक दमदार तरीके से चुनाव लड़ा और जीता। दूसरी सीट जो इनको मिली है पीडीपी के निजामुद्दीन भट्ट, जो अवाम जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के निजामुद्दीन भट्ट हो गए थे, उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ी, कांग्रेस में घुसे, घुसते ही मैंडेट बांडीपुरा का मिल गया और 811 वोटों से वो सीट जीत गए। बांडीपुरा में कौन थे? उस्मान मजीद। उस्मान मजीद किसमें थे? कांग्रेस में। उस्मान मजीद को आपने टिकट नहीं दिया, आपने कहा जिसने पार्टी छोड़ दी विरोधी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मॉरल हाईग्राउंड आपने ले लिया और इस सीट का आपने ये सीट आप हालांकि आप जीते मगर मार्जिन कोई ज्यादा नहीं है। और अगर मैंने बांडीपुरा की सीट का जो पूरा मैंने आंकड़ा देखा उसमें उस्मान मजीद चुनाव जीत सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था उनके लिए चुनाव जीतना अगर उस्मान मजीद को मैंडेट कांग्रेस की तरफ से मिला होता। नहीं मिला। सेंट्रल शाल्टेंग में तारिक अमीद कराने के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी हुए नेता थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चूंकि अलायंस था तो अलायंस में 14,395 वोटों से तारिक अमीद करा की जीत हुई। यहां से इरफान शाह चुनाव लड़ रहे थे, इन आजाद उम्मीदवार नंबर 2 पर आए और पीडीपी के नेता नंबर 3 पर आए। दूरू में जीए मीर ने वो जीतने थी उनने सीट, तो उस सीट पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 30,000 वोटों से उनकी जीत हुई। पीरजादा मोहम्मद से अनंतनाग में जीते हैं बड़ा मुश्किल से, त्रुखे जरूर लाइए, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया होता तो पीरजादा भी सीट हार गया होते। रजौरी की बात करें तो इफ्तिखार ने अच्छा मुकाबला किया, बीजेपी ने पूरी उनकी उनका मुकाबला किया, वोट पोलराइज हुआ और अंत में कंसोलिडेट होकर कुछ वोट इफ्तिखार को पड़ा और वो चुनाव जीत गए। अब इसका मतलब यह है कि आपने जो क्लियरली सीटें जीती हैं वो केवल चार सीटें हैं, जिसमें एक सेंट्रल शाल्टेंग की, दूसरी डूरू की, तीसरी रजौरी की, चौथी बागुरा क्रीडी की। 2 सीटें आपको लोगों आपने मुकद्दर से मिली है, वरना ये 2 सीटें आप नहीं जीती, तो आपको मिली है केवल 4 सीटें और आप बाकी सारी सीटें हार गए। फिर आपने कई जगहों पर किया फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, आप या तो सीधा सीट दे देते बिल्कुल या सीधा सीधा सीट ले लेते। आपने कहा चलिए बानिहाल में फ्रेंडली, क्या फ्रेंडली था? विकार रसूल सज्जाद शाहीन को लेकर उन्होंने जो बयान दिए, सज्जाद शाहीन ने जो उनको लेकर बयानबाजी की, उमर अब्दुल्ला ने बाद में दोनों को लेकर जो बयानबाजी की, वो सब कुछ हमने देखा, तो कोई फ्रेंडली नहीं था। डोडा में आप फ्रेंडली घुस गए और फ्रेंडली घुसे तो ऐसा फ्रेंडली हो गया कि वहां आम आदमी पार्टी की सीट निकल गई और आपका वहां भी सुकड़ा साफ हो गया, आप वहां से भी आपको निकाल दिया गया, देश निकाला हो गया आपको। अब आप फ्रेंडली चले, आपने ले ली इंदरवाल की सीट, आपके पास इंदरवाल में ताकतवर लीडर था गुलाम मोहम्मद सरूरी,
आपने उस ताकतवर लीडर को छोड़ा और आपने जफर को वहां पर मैंडेट दिया, जफर ने मुकाबला किया। लेकिन एक अनुभवी लीडर, एक मालदार लीडर और उसके मुकाबले में जफर एक नया नौजवान, जोशीला मजबूत नौजवान, मुकाबला एक जब पैसे के साथ आपका मुकाबला होता है तो जीतना जरा मुश्किल हो जाता है। पर आज का चुनाव जो है पैसे का खेल है, तो जाहिर सी बात है वो भी आपने आकलन नहीं किया। आपने फिर मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया, ये सीट भी आपने हारी। उसके बाद अगर हम बात करें इसी तरीके से बारामूला की ले लीजिए, मेरी समझ में यह था कि प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज एक लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि उनको बारामूला से टिकट मिलना चाहिए, मैंडेट मिलना चाहिए। सलमान सोज तो सीन से ही गायब हो गए, नाम नहीं आया। फिर आपने मीर इकबाल अहमद को लिया है, वो पांचवें नंबर पर रहे। उसके बाद आपने देवसर की सीट की मैं बात करूंगा, यानी आपने इस तरह की प्री पोल अलायंस की कि जिन जो सीटें आपने ली वो सारी आप हार गए। बिल्कुल, जो आपने फ्रेंडली कहा वो भी आप हार गए, और मुकद्दर से जो सीटें आपको मिली जहां पर कांग्रेस की खुद भी मजबूत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट भी पड़ा तो वहां पर कांग्रेस जीत गई, बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस हार गई। अब गुलाब, अब आप एक और चीज देखिए इनकी, मॉरल हाईग्राउंड। आज जनाब राहुल गांधी के बारे में बड़े अपशब्द कहे हैं इन तमाम डीपीएपी नेताओं ने, हमको अरे जिया डीपीएपी की गल की है, पहले इस पार्टी का जेडे लीडर आए उन्हें टिकटा भी लैती और कांग्रेस शामिल भी हुई है, लेकिन बाद जेडे लीडर आना चाहते हैं अजय की वो कद्दावार नेता है, अगर वो कांग्रेस की टिकट उपर चुनाव लड़ते तो शायद कांग्रेस का जोड़ा आंकड़ा वो थोड़ा बधी जाता। पर ऐसा के कारण होया कि उनके कने एलर्जी हुई गई, कि उनके कने कोई दूरी हुई गई, उन्हें की लैता जी? आप हालत देखिए इनकी क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इंद्रवाल में जीएम सरूरी को मिले 13,552 वोट, बिल्कुल, और जीतने वाले कैंडिडेट को मिले 14,195 वोट। मोहम्मद जफरुल्ला ने लिए 12,533 वोट और तारिक कीन ने लिए 9,550 वोट और पीडीपी के नासिर शेख ने लिए 1,044 वोट। यहां पर अगर कांग्रेस सरूरी को कैंडिडेट बनाती और जफरुल्ला से ये कहते कि भाई चुनाव जीतने के बाद हम आपको किसी कॉरपोरेशन में या किसी जगह, या अगर हमारी कोई सूरत हुई तो हम किसी और जगह आपको एडजस्ट करेंगे, सरूरी अगर को अगर पार्टी में ले लिया होता और वो पार्टी के मैंडेट पे चुनाव लड़ते तो पीएल शर्मा के मुकाबले में 34,000 वोट पीएल शर्मा के अगेंस्ट पड़ा है, 34,000। और 34,000 में से आप देखिए 13,552 एक और 12,533 दो, ये दोनों मिलके 26,000 वोट होता है। आपको याद होगा जब ये चुनाव, ये जब खत्म हुआ था चुनाव, तो मैं बार बार एक आंकड़ा करता था, मैं कहता 26,000 वोट गुलाम मोहम्मद सरूरी को पड़ेगा, ये मेरा आंकड़ा था। वो किस बेस पर था? यही कि ये कांग्रेस का वोट है, ये अगर वन साइडेड होकर पड़ा होगा तो चुनाव जीत जाएगा। अब आप ये सोचिए इंद्रवाल की एक सीट, पहले आप इस सीट को माइनस करिए कि ये सीट जो है जो प्रोबेबल सीट थी आप जीत सकते थे, आपने ये हारी। उसके बाद आप आइए डोडा में मेहरान मलिक ने लिए 23,228 वोट, गजय सिंह राणा के 18,690 वोट। अब आप देखिए खालिद नजीब सौरवर्दी ले लेते हैं 13,334 वोट और अब्दुल मजीद वानी पूर्व कांग्रेस नेता डीपीएपी के नेता जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, नहीं लिया कांग्रेस ने। नतीजा ये निकला कि 10,027 वोट लेकर वो आ गए चौथे नंबर पे। अब आप अब्दुल मजीद वानी और खालिद नजीब सौरवर्दी के वोट जोड़िए तो ये वोट महराज मलिक के वोटों से ज्यादा हो जाते हैं, यानी 3,228 वोट इनके पास है और 3,351 वोट जो है मिल जाते कांग्रेस को और कांग्रेस यहां से विजयी हो जाती। वो भी छोड़िए शेख रियाज अहमद जो कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव लड़े, बड़े सारे बुद्धिजीवियों ने कांग्रेसियों को कहा भी कि भाई आपने शेख रियाज को मैंडेट दिया है पर ये 5,000 के ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा जी बहुत ताकतवर, बड़े प्रबल, बड़े नेता और ये ठीक है। चलिए अब आप उनका आंकलन कहीं से होता है, अगर ये सारे वोट आप मजीद वानी, शेख रियाज, खालिदीप सौरवर्दी अलायंस में ये सीट अगर कांग्रेस ले लेती तो ये सीट भी कांग्रेस के पाले में चली जानी थी। ये हो गई दो सीटें, ये मैं सामने सामने आपको बता रहा हूं जो सीटें इन्होंने जानबूझकर गवाईया ना। उसके बाद क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन बड़ा नेता है, किस बड़े नेता का क्या दावेदारी है, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जसरोटिया प्रबल दावेदार बनते जा रहे हैं, ये हम भी आकलन कर रहे थे और हमने कहा भी था कि वो इंडिपेंडेंट है और बड़े मजबूत प्रत्याशी है वहां से। कांग्रेस को खबर नहीं लगी इस चीज की, यह कांग्रेस की हालत है कि इतने ज्यादा ये बेहोश हैं,
बीजेपी को खबर थी डॉक्टर रामेश्वर की, बीजेपी को पता था कि बन्नी में एक ताकतवर मजबूत कैंडिडेट है रामेश्वर, लेकिन बीजेपी को विश्वास अपने कार्यकर्ता के ऊपर था और कार्यकर्ता ने बिल्कुल कार्यकर्ता ने वोट भी दिलवाया। 16,624 वोट जीवन लाल को मिला है बीजेपी के और 18,672 वोट जो डॉक्टर रामेश्वर को मिला। जो काजल है जो वहां से जीती है, जो वहां बनी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, काजल को 1970 वोट पड़े। आप अगर यहां कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस की लीडरशिप के पास विजन होता और पहचानते कौन यहां पर प्रबल दावेदार है तो शक्ल सूरत कुछ और हो सकती थी। छंभ में आपने सतीश को कहा जनाब ये तो बच्चा है, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं भैया वो चुनाव जीत के गया, आप कश्मीर पहुंच गए, आपने कहा इसको रखा तो हम नहीं आएंगे। और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जो तीसरे चौथे नंबर पर जो लोग रहे उन्होंने भी जबरदस्त कोशिश की कि अब ये मंत्रिमंडल में नहीं जाना चाहिए। मतलब इस तरह की जब मानसिकता हो तो फिर कांग्रेस का भला हो सकता है, इसकी संभावना बड़ी कम है। अब यही नहीं, अब थनामंडी की भी मैं बात करूंगा। शब्बीर खान 7,508 वोट लेते हैं। अच्छा, आप जानते भी हैं कि पहाड़ी गुजर का क्या इक्वेशन है वहां पर, माहौल भी आपको पता है। अगर मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस से चले गए थे तो आपको उनको अपनी पार्टी मिलाना चाहिए था। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में उनका स्वागत कर सकती है तो आपको क्या परेशानी थी, ये भी आपने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में शाहनवाज को आपने खड़ा किया लेकिन जिस दमदार तरीके से उसकी मदद की जानी चाहिए थी वो नहीं की। और इतना ही नहीं, शाहनवाज चौधरी जब चुनाव लड़ रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मियां अल्ताफ का इंतजार लोग कर रहे थे कि वो आएंगे और वो वहां पर कोलिशन के एक्ट में राहुल गांधी के साथ फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर वोट मांगेंगे। मियां अल्ताफ वहां नहीं गए और आज तक कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ इस इशू को टेकअप नहीं किया कि जनाब आपने कह दिया कि मियां साहब नहीं आ पाए क्योंकि वो उनको उनके अपने बेटे का चुनाव था तो वो नहीं आ पाए। आपने टेकअप नहीं किया कि जनाब कोलिशन धर्मा है, चौधरी अकरम को लेकर तो दुनिया जानती है कि वो मियां अल्ताफ के करीबी हैं, लेकिन इस वक्त धर्म संकट है। इस धर्म संकट में अगर वाकई आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते कांग्रेस एनसी तो शाहनवाज के हक में किसको आना चाहिए था, मियां अल्ताफ को आ जाना चाहिए, नहीं आए। वो नहीं आए तो नतीजा ये निकला कि शाहनवाज चौधरी वहां से चुनाव हार गए। तो ये सीट भी आपने हारी नहीं है, खुद अपने आप को ये सीट आपने हरवाई है। बिल्कुल। और अगर इसी तरीके से कई सीटें हैं लंबा, अब देखिए बदरा में महबूब इकबाल एक ब्यूरोक्रेट हैं और बड़ा अच्छा खासा लाइफस्टाइल है उनका, लोगों के बीच में रहते हैं और बातचीत भी अच्छी कर लेते हैं। महबूब इकबाल जाते हैं बदरवा, वोट लेते हैं 31,998 और कांग्रेस फ्रेंडली में, फ्रेंडली में कांग्रेस के नेता नदीम नियाज को पड़ते हैं 7,151 वोट। यानी यह भी नहीं हो सका आपसे कि आप इतना कहते कि भाई जम्मू संभाग कांग्रेस का है वहां पर हमारा बीजेपी का मुकाबला है तो ये बदरवा की सीट आप अलायंस में हम लोग लड़ेंगे, आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कीजिए, नदीम नियाज अलायंस का कैंडिडेट होगा। तो यकीन मानिए इस सीट पर कांटे की टक्कर दलीप सिंह परिहार और नदीम नियाज के बीच में होनी थी और यही 7,000 वोट हैं जो ले डूबे किसको, महबूब इकबाल को। आप डोडा वेस्ट में आइए, एक नया नौजवान आता है डोडा वेस्ट में, वो लेता 30,511 वोट, एक मजबूत कैंडिडेट शक्तिराज परिहार को वो डरा देता है वहां पर डोडा में, और प्रदीप कुमार को पड़ते 3,453 वोट से प्रदीप कुमार चुनाव हारे हैं। किस बड़े नेता ने वहां जाकर रैली की, किस बड़े नेता ने प्रदीप कुमार की वहां पर मदद की, किस बड़े नेता ने कहा कि प्रदीप कुमार जी हम आपके साथ हैं। हालांकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदीप कुमार की जबरदस्त मदद की लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह की उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे। आपने रियासी में मुमताज अहमद आपके कैंडिडेट थे, वो सीट आपने ली, मुझे आज तक नहीं कोई प्रेस नोट भी नहीं जारी किया इन्होंने कि मुमताज ने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो कोई प्रेस नोट नहीं आया। आइए माता वैष्णो देवी की सीट, इस सीट के ऊपर जुगल किशोर डीपीएपी की तरफ से कैंडिडेट हो सकते थे, नहीं हुए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। जुगल किशोर को अगर कांग्रेस उसके पास जाती, मैनेज करती और पार्टी में ले आती
और जुगल किशोर कांग्रेस के मैंडेट पर वहां से चुनाव लड़ते और उनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट वहां से जो श्री माता वैष्णो देवी से जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे जिन्हें केवल 5,655 वोट पड़े और जुगल किशोर को पड़े 16,204 वोट। पर आप जानते चुनाव कितने से हारे हैं, वो चुनाव केवल वो 1,995 वोट से हारे। अगर तो ये मिलते तो अगर अगर वहां पे ऑफिशियल कैंडिडेट जुगल किशोर होते तो वो कांग्रेस की सीट नहीं, ये कांग्रेस की सीट होती। अब आप ये सीट भी क्यों हार गए, इसीलिए मैंने कहा ये जो कांग्रेस वाले, मैं कल कांग्रेस के बड़े नेता का एक चैनल पे इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हो गई। जब इंटरव्यू में आपने कह रहे थे कि जम्मू के लोगों ने स्मार्ट मीटर के लिए क्या कहते हैं बीजेपी को वोट दिया, जम्मू के लोगों ने ये कर, भाई आपको वोट पड़ रहे हैं, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े हैं आप केवल 2000 वोट उसे हारे हैं, वो भी जम्मू के लोग ही आपको वोट दे रहे हैं। जम्मू संभाग में कांग्रेस का हर जगह वोट पड़ा है, बिल्कुल, और हर जगह वोट है। और लेकिन आपकी मुसीबत यह है कि आपके कद इतने बड़े हैं कि इस बड़े कद के चलते आपको महसूस ही नहीं कभी होता कि हमको कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, कार्यकर्ता सबको खुश रखना फिर आगे बढ़ना है। अब आप आइए उधमपुर वेस्ट, जो बड़े राजनीतिक प्लेयर होते ना जिनको राजनीति की पूरी समझ होती है, जूही पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट में खड़े हो गए, तो अगर कांग्रेस के बड़े प्लेयर, बड़े दिमागी और पूरे जैसे बीजेपी का पूरा जो ही वो देखते हैं कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया फौरन सोचना शुरू करते हैं इसको कौन कौन मदद कर सकता है, कहां से मदद कर, वो पूरा खाका तैयार हो जाता है, फिर लोगों की ड्यूटी लग जाती है, उसको मैनेज करो, इसको मैनेज करो, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, जो बनता है बन पड़ता है सब कुछ करो ताकि हम चुनाव जीत सके। कांग्रेस ने जो ही देखा उधमपुर ईस्ट में पवन खजूरिया खड़ा हुआ, तो कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था कि भाई उधमपुर वेस्ट में अब हमारी चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईस्ट वेस्ट पर भी असरअंदाज हो सकता है। हुआ, नतीजा ये निकला कि सुमित जब चुनाव में उतरे थे तो 10,000 वोटों पे थे और जब हारे हैं तो 26,412 वोट लेकर हारे। बहुत बड़े ज्यादा वोट लगे में 26,412 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, बहुत बड़ी गल है। तो सुनील सागर जी मुझे बताइए कांग्रेस कहां, कांग्रेस क्या खत्म है, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब आप देखिए रामनगर में तीसरे नंबर पर आई कांग्रेस 7800 वोट लेकर, मूलराज उनके प्रत्याशी थे, ठीक है जी, और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भारत जिसके नेता हर्षदेव हैं उनकी अश्री देवी ने 25,244 वोट लिए। यहां भी आप मैनेजमेंट नहीं कर सके, अगर इस सीट पर आप कोई मैनेजमेंट जेके एनपीपी के साथ करते तो ये सीट पर मान लीजिए इसको एनपी जेके एनपीपी को देते, अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करते तो आपके 8,000 वोट भी जेके एनपीपी को बढ़ते, तो ये लगभग मुकाबला बिल्कुल टाइट हो जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती फिर उस समय किसके लिए, बीजेपी के। मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी सीट पर ये नहीं कह सकते कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लोग आपके कार्यकर्ताओं के ना होते हुए, आपका पार्टी स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, आपकी पार्टी की कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है, आप चुनाव लड़ते हो जैसे आपने कहा आप चुनाव लड़ते हो किसी पार्टी के साथ, हम भी टैग हो जाएंगे या चलो करना चली पाओगे। बस जिस दिन कांग्रेस को यह समझ आएगा कि हमको चुनाव लड़ना है चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए, पगडंडी बनने के लिए। अब आप एक तमाशा और देखिए, सांबा की मैं बात करूंगा, सांबा में कृष्ण देव सिंह को जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनको पड़े 3,628 वोट। एक आजाद उम्मीदवार खड़े होकर रविंदर सिंह, उन्हें 12,000 हाली के सांबा च कांग्रेसी सीट होती है, एक जमा प्रकाश शर्मा और खड़ोते हैं, बिल्कुल, और आज देखिए आज हालत देखो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल 3,628 वोट। आप विजयपुर में जाइए, आपने सीट एनसी को दे दी, ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह को अपनी पार्टी में ले आते और इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप अलायंस करते तो जनाब आपके यहां पर 26,000-27,000 वोट आपको विजयपुर में मिलते, क्योंकि मनजीत सिंह ने 13,161 वोट लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13,819 वोट पड़े, तो 27,000 वोट विजयपुर में इतना बड़ा कद का नेता होते हुए भी उसके खिलाफ 27,000 वोट वहां पर पड़ा है। बिश्नाह में नीरज कुंदन को वोट पड़ा, बड़ा डालने वाले। सवाल पैदा ये होता है कि आज आप जो रोना रोते हो ना, नहीं जी ये कर दिया वो कर दिया जम्मू वालों ने वोट दे दिया, ये कहानियां मत गाओ आप। जम्मू वालों ने आपको अच्छा खासा वोट जम्मू संभाग ने दिया है आपको, ये आपकी अपनी नलायकी है जिसके चलते आप चुनाव नहीं जीत पाए। आसमी साहब अगर अस अहदेदारें की गल करचै तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी च
गिनते भी टाइम लगता 52 महासचिव जेड़े के एक जमाना हा कांग्रेस च महासचिव बनने का ही दिल्ली के बड़े चक्कर लाने पौते वर्किंग प्रेजिडेंट दो वर्किंग प्रेजिडेंट दो एक प्रेजिडेंट ठीक है अगर तो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट लगभग 5 ते 22 प्रेजिडेंट गिना में कोई 20-22 भी होने ठीक है और वो कांग्रेस पार्टी जिन्हें कश्मीर बचा मुफ्ती मोहम्मद सईद और चुकया नमस शहर एमएलए बनाई गया के ऐसा कारण हुआ के ऐसी कुसे की नजर लगी इस पार्टी की जेदा यह हालत हो रही के करे पार्टी ता के दोबारा उस थारे पर जा जिथे पहले देखें कांग्रेस की बेसिकली दिक्कत क्या है कांग्रेस की दिक्कत यह है कि मतलब ये मजाक है बड़ा बहुत बड़ा मजाक है आपके जनरल सेक्रेटरियों की तादाद आपने खुद बताई 50 से ज्यादा मती है भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हैं उंगलियों पर गिन सकते हैं डॉक्टर देवेंद्र मनियाल सुनील शर्मा संगठन महामंत्री अशोक कौल और उसके अलावा विबोध गुप्ता 4 महामंत्री 52 महामंत्री पार्टी के बुंजा इन्हें मैं महाराष्ट्र यूपी से नहीं ठीक है नहीं इतने महामंत्री आपने बनाए क्यों हैं ताकि पार्टी छोड़कर ना भाग जाए आपने वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाए ताकि पार्टी छोड़कर ना भाग जाए प्रवक्ताओं की आपने दुनिया 10-12 प्रवक्ता बना दी क्यों आप पार्टी में जब महासचिव किसी को बनाए वो महासचिव पार्टी का महासचिव होना चाहिए फैसले लेने वाला होना चाहिए जब आपके सारे फैसले लेने ही दिल्ली ने हैं जब टिकट तय करनी है के वेणुगोपाल ने जब टिकट तय करनी है भरत सिंह सोलंकी ने जब टिकट तय करनी है रंधावा ने जब टिकट तय करनी है पंजाब से आए हुए किसी एमएलए ने जब चन्नी ने तय करना है कि यहां कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा तो आप कांग्रेस में कर क्या रहे हो 52 जनरल सेक्रेटरी क्यों है क्योंकि पावर ही नहीं है ताकत आपके पास होनी चाहिए ना जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र मनियाल को पता होता है कि भारतीय जनता पार्टी में नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उनका फैसला होता है किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी बीजेपी सुनती है जबकि बीजेपी को आज माना जाता है टू मैन पार्टी कि जनाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेकिन जब आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर में सब काम करते हैं अब आज देखिए प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है अभी भी और कितना जबरदस्त उनका विरोध लोगों ने किया इस बात को लेकर के जनाब मैंडेट काट दिया हमारा तो इसका मतलब टिटुलर हेड नहीं है कि आपने प्रधान बिठा दिया और उसके कोई ताकत ही नहीं प्रधान की ताकत पूरी है अब आप आइए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उसी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष एक कमरे में बैठा है और महासचिव दूसरे कमरे में बैठा है सचिव तीसरे कमरे में बैठा है और ट्रेजरर चौथे कमरे में बैठा है और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं कौन किसको काटेगा और फिर पंजाब से जब लोग आते हैं एक दोस्त है गुलाम अहमद मीर का एक दोस्त है भल्ला का एक दोस्त है ताराचंद का एक और ये दोस्तियां भी बड़ी कमाल की ये दोस्तियां इतनी इन्फ्लुएंशियल और इतनी ताकतवर हैं कि जब कांग्रेस को कोई फैसला लेना होता है तो वो दोस्तियां तय करती हैं कि फैसला गलत नहीं है सही है इसीलिए जब आप मैंडेट देते हैं आप उन लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते हैं जो लोग चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होते और ये जो हवा शवा में इन सब चीजों को नहीं मानता मैं ये मानता हूं कि राजनीति आप 24/7 जब करेंगे नेताओं को वो दलबल देंगे जो जिस दलबल की उनको जरूरत है पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे जनरल सेक्रेटरी के पद का मजाक नहीं बनाएंगे उसको 2 या 3 लोग आते और दफ्तर भी बैठेंगे और दफ्तर और सबसे बड़ी बात दफ्तर की आवाज देखिए सिवाय असेंगी उत्तर रविंद्र शर्मा होता है कोई नहीं लगता दफ्तर की सबसे बड़ी परेशानी है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर होता था स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन कच्छी ठीक है कच्छौनी में जब पार्टी सत्ता में आई सबसे पहले पार्टी ने क्या किया उन्होंने देखा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में पार्किंग की जगह नहीं है लोग आते हैं बड़ी परेशानी होती है लोगों को मिलने मिलाने में रहने सहने में दिक्कत होती है पार्टी बड़ी हो रही है दफ्तर भी बड़ा होना चाहिए त्रिकुटा नगर में जमीन ली गई उसके बाद पार्टी का हेडक्वार्टर बनाया गया और अब आप जाते हैं बाहर पार्किंग की जगह है अंदर पार्किंग की जगह है रहने की सुविधा सब कुछ है वहां पर ठीक है जी और कोई सब्जी की दुकान भी बाहर नहीं लगी है कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं है जिस नेता में इतना दमखम नहीं है कि वो अपने बलबूते पर ऐसे से 4 दफ्तर खड़े कर सकता है इतना पैसा कांग्रेसी नेताओं के पास है ये सभी लोग कहते हैं कांग्रेस को आज तक नहीं लगा कि शहीदी चौक जो कंजेस्टेड एरिया है जहां पर खड़ा होना मुश्किल है उस कंजेस्टेड एरिया से जहां बाहर सब्जी की दुकान है उस दुकान से अभी भी वो अपना दफ्तर चला रहे हैं इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस की सूरत हाल क्या है यानी कांग्रेस आज भी उस पुराने आर्काइक मेथोडोलॉजी पर चल रही है
और एक चमत्कार का इंतजार कर रही है कि कुछ चमत्कार होगा और हम जीतेंगे। सुरेंद्र सागर जी, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं होता। बिल्कुल, आप तैयारियां करेंगे, आप अपने दफ्तर को लेकर गंभीर होंगे भाई। और दूसरी एक और मुसीबत, कांग्रेसियों को यह भी पता है यार, दफ्तर तो चुनाव से 6 महीने पहले जाना है, बाद में ठीक है छोटे मोटे कार्यकर्ता बैठे रहेंगे वहां पर, हमको दफ्तर क्या करना। ये भी एक वजह है कि आप दफ्तर अच्छी जगह नहीं बनाते भाई। कोई ऐसी जगह दफ्तर बनाइए ना जहां पर लोग आ जा सकें, आपका अपना दफ्तर हो, किराए पर दफ्तर न हो, आपकी अपनी बिल्डिंग हो, नीचे पार्किंग की जगह हो ताकि लोग आ जा सके, और 24/7 आपका दफ्तर चल रहा हो, 24/7 आपके दफ्तर में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही हो। आपके दफ्तर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, आप चुनाव हारते हैं दफ्तर खाली, चुनाव का माहौल आता है आप दफ्तर आ जाते हैं, दफ्तर जमा, ये नहीं कि कोई अच्छा। उसके बाद ये भी मुसीबत है, ड्यूटी किसी के लगाएंगे, वो कहता है चल छोड़े क्या करना दफ्तर जाके, अनुशासन नहीं है। तो जब तक कांग्रेस में अनुशासन नहीं आएगा, जब तक कांग्रेस का दोबारा कार्यकर्ता के साथ नहीं जुड़ेगी, और जब तक कांग्रेस ये राग अलापना बंद नहीं करेगी कि जनाब देखो बीजेपी वाले तो ये करते हैं तो चुनाव जीतते हैं, वो करते हैं तो चुनाव जीतते हैं, पैसा देते हैं तो चुनाव जीतते हैं, तब तक कहानी इनकी पलटने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये सच होता कि बीजेपी अपने दमखम और बाकी सब चीजों की वजह से चुनाव जीतती है, तो फिर कांग्रेस को जितने वोट पड़े नहीं पड़े। बिश्नाह में नीरज कुंदन को लोग पसंद नहीं करते, शाहनवाज को लोग उधमपुर में पसंद करते, सुमित को लोग उधमपुर में पसंद नहीं करते, डोडा में कांग्रेस को, कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहां कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा। लेकिन यू हैव टू मल्टीप्लाई द वोट्स। अगर आज आपको 10 वोट मिले हैं, आपको 10 को 100 में कन्वर्ट करना है, जो बीजेपी ने किया। बीजेपी का पहले वोटर कौन था? सारा अर्बन वोटर था, शहरों में बीजेपी को वोट पड़ता था, रूरल एरिया में कांग्रेस को वोट पड़ता। बीजेपी ने बाजी पलट दी, कहा छोड़ो शहर चलो गांव, चलो अब गांव में वोट पड़ता है बीजेपी को और शहरों में वोट पड़ रहा है इस वक्त थोड़ा बहुत कांग्रेस। अब एक और मजेदार चीज देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वो सीटें थी जिन पर एक समय कांग्रेस की बड़ी पकड़ हुआ करती थी, और इंडिया का जो थी, आज आपने 7 SC सीटें सारी आप हार गए, एक भी सीट पर आप, और आप आसपास भी नहीं आए हैं जीतने के। आपकी 9 ST सीटें, 9 में से 8 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले गई, आपको कुल 1 सीट ST मिली है कांग्रेस की, वो भी क्रिजोरी की सीट, और कोई सीट आप नहीं जीत पाए। ठीक है, क्या मतलब है? एसटी भी आपसे भाग गया, इनको तो आपने गुजर बकरवाल कबीला को एसटी कितनी देर पहले दिया था। और उसके बाद आप बीजेपी की और मैनेजमेंट देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी पुंछ में 2 लाख से ज्यादा वोट लिया है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। यानी मुसलमानों ने भी बीजेपी को रजौरी पुंछ में वोट दिया है। और कश्मीर में भी, कश्मीर में भी दिया। बिल्कुल, कश्मीर के वोट को मैं वोट नहीं मानता है, आप 1,500 या 10,000 वोट ले लें कौन सा मान लें, नहीं, रजौरी पूंछ में और डोडा बदरवा किश्तवाड़ इलाकों में। इसका मतलब बीजेपी अब वहां भी जा रही है जहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। और अब कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत है कि आपने जिस जम्मू संभाग के आप राजा थे एक समय, कि डोडा पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके पास था, रामबन आपके पास था, किश्तवाड़ आपके पास था, कठुआ जिले में आप अच्छा कर रहे थे, सांबा में आप अच्छा कर रहे थे, रजौरी पुंछ में आप मजबूत होने लगे थे, आप इधर रियासी में मजबूत होने लगे थे, आपने इस चुनाव में पूरी की पूरी अपनी जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीगेन किया है। और इतना ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा के चक्कर में कई जगह कांग्रेस की को सीटें मिली, मतलब रजौरी में अगर वोट कंसोलिडेट हुआ तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा रोल है। तो हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है और चुनाव बीजेपी जीती है, और किसी कोई पार्टी दावा भी नहीं कर सकती कि हमने चुनाव जीता है। तो जब तक कांग्रेस में आत्ममंथन नहीं होगा, बड़े नेताओं को यह नहीं समझाएगी कांग्रेस के आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर आप पार्टी में रहिए। आपने सुना कितनी बार हमने श्यामलाल शर्मा का इंटरव्यू किया, क्या कहा श्यामलाल शर्मा ने? हमने कहा नेता ना छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी। आप देवेंद्र सिंह राणा को सुनिए, मैंने उनका एक बयान सुना, वो कह रहे थे कि मैं तू दे चरने दी तूल, किनको? लोगों, यानी मैं आपके पैरों की धूल हूं। या बयान सुन रहे, उसके बाद जब आप उनसे किसी वक्त कहते हैं कि भाई आप भी बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आप एलओपी? नहीं नहीं, जो पार्टी फैसला करेगी हमें मंजूर है। इसका मतलब ये अनुशासन है, डिसिप्लिन है। कहां है कांग्रेस में डिसिप्लिन? और एक और चीज, पार्टी की लीडरशिप को भी समझना होगा। आप 4-4 लोगों से बतियाएंगे तो पार्टी चलेगी नहीं। आपकी पार्टी का एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष को एक्सेस होना चाहिए आप तक, बस।
अब आपको के वेणुगोपाल भी जम्मू कश्मीर का एक्सपर्ट कहता है खुद को, और वक वक लाबियां बनी दी, भरत सिंह सोलंकी भी एक्सपर्ट है, गुलाम अहमद मीर के साथी भी सारे एक्सपर्ट है, और ये एक्सपर्ट जो कहते हैं आप इन एक्सपर्टों के कहने के फैसले करते हैं। और इस वक्त भी आप देखिए मजेदार बात, ये बिल्कुल आखिर में कहूंगा, चुनाव हार गया जम्मू में, आपका सूखड़ा साफ हो गया, आप न 3 में न 13 में जम्मू में, आप कहीं है ही नहीं, चुनाव जीता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और बड़े बड़ा मार्जिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, आपको बाहर रख के भी वो सरकार चला सकते हैं, ठीक है। और शुक्र करिए उन्होंने कश्मीर में आपको 6 सीटें 5 सीटें आपको दे दी, अगर वो 5 भी आपको नहीं ना देते, केवल डूरू जीतते आप और क्रीरी बागुरा क्रीरी जीतते आप, और किसी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको जीतने नहीं देती, दिस इज माई असेसमेंट। किसी सीट 3 सीटें, एक रजौरी वाली, एक बागुरा क्रीरी और एक सेंट्रल शाल्टे और एक डूरू, ये 4 सीटें मुझे लगता है कि इनकी होती, वो 2 आप जो जीते हैं वो दोनों आप हार जाते हैं, पीरजादा वाली भी और निजामुद्दीन भट्ट वाली भी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती कि हम लड़ेंगे आप हार जाते, तो मतलब आप केवल 4 सीटों के ऊपर अब बचे हैं आप जम्मू कश्मीर में, बाकी सब जगह आपका सूखड़ा साफ है। जब तक आप रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, रीओरियंट नहीं करेंगे, ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या किया, आप सरकार में आ रहे थे वहां भी आप आ गए, 2 मंत्रालय दे दो, 1 राज्यसभा की सीट दे दो, इतनी चेयरमैनशिपें दे दो, उनने कहा भाई साहब एक काम करो आप बाहर रहो, हमें आपकी फिलहाल जरूरत सरकार में नहीं है, वैसे भी आप सरकार में होंगे तो दिल्ली वाले हमको परेशान करेंगे, तो बेहतर है कि आप बाहर देखो। तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं होता, एक्सेप्ट द डिफीट ग्रेसफुली, रीओरियंट योर स्ट्रेटजीज, बड़े नेताओं का कद छोटा कीजिए, उनको ये कहिए कि आप कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में रह सकते हैं तो रहिए, नहीं रह सकते हैं तो आप जा सकते हैं, आप पार्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस दिन कांग्रेस स्ट्रेटजी पर काम करेगी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर फोकस करेगी, तो यकीन मानिए 5 साल के बाद जब कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी तो बिल्कुल अलग एक शक्ल में होगी, अलग एक रूप में होगी। और यह भी कि आप बार बार ये मत कहिए कि जनाब जम्मू के लोग हमको वोट नहीं देते, जम्मू ने ही आपको वोट दिया है, तभी जाकर आपके आप ये कह सकते आप कुछ कुछ वोटों से हारे हैं, तो ये मेरा आंकलन है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिया के आशमी साहब ने दसिया है कि सारे को बड़ी गल है अनुशासन, और दूई में गल दसी दें कि जम्मू च कांग्रेस की भी बहुत ज्यादा वोट पिया, पर जिस वेले टिकटा जड़िया वो दोस्तानियां बनगन या दोस्ती के चक्कर च टिकटा जिस वेले फसगन तो फिर के हालत पार्टियां की होती है, वो कांग्रेस की इस उपर जरूर मंथन करना चाहिए, जम्मू की जनता जनार्दन तुंदे कन्ने है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जी है वो तुसें गै नवानी है, और जेड़े दिग्गज बड़े बड़े कद्दावर नेता जेड़े बार बार चुनाव हारा करते हैं उन्हें भी चाहिए है कि हूँ जी नौजवान पीढ़ी है नवा जेड़े तबका है उसकी मौका देना चाहिए ताकि कांग्रेस जी है परतिया इन्नी मजबूत जम्मू चो है कि कश्मीर का कोई बंदा चुकी है उसी आर एस पुरा जो है और कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने वाले बूते पर जताई सके।